जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ट्रास टेक्निक एंड साइंस में। और हम लेकर आए हैं आपके लिए गणित कक्षा 8 की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्नों का हल। तो प्रस्तुत है प्रश्न क्रमांक 1 का हल। पहला प्रश्न है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के परिमाप माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हों तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? इसमें दिया है ये वर्गाकार खेत है, इसकी एक भुजा 60 सेंटीमीटर की है, 60 मीटर की है। दूसरा आयत के आकार का है, इसकी लंबाई 80 मीटर है। अब हमें परिमापों में तुलना करके ये बताना है कि किस खेत का क्षेत्रफल अधिक है, ए का अथवा बी का। तो आइए हम हल करते हैं। हमें दिया है क्या दिया है, आयत का परिमाप, आयताकार खेत का परिमाप है, ऐसा लिख लें अपन, कार खेत का परिमाप बराबर वर्ग। तो हमें दिया हुआ है आयताकार खेत का परिमाप बराबर वर्ग के आकार के खेत का परिमाप। यहाँ पर वर्गाकार खेत का लिखना है, खेत। तो आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, और वर्गाकार खेत का परिमाप होगा 4 × भुजा की लंबाई, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, तो उसमें सीधा 4 का गुणा कर देते हैं, जबकि आयत में 2 लंबाइयां होती हैं और 2 चौड़ाइयां होती हैं। चलिए तो पहले हम इसका मान निकाल लें, 4 × 1 भुजा की लंबाई दी है इसमें 60 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 4 × 60, 6 × 24, 240 मीटर। 4 का हम गुणा कर देंगे, 499 और 4×6=24, तो ये 240 मीटर आ गए। किसके बराबर आया ये, 2 × लंबाई धन चौड़ाई के बराबर आया। तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर क्या होगा, लंबाई धन चौड़ाई बराबर ये हो जाएगा 240/2, तो 2 का भाग इसमें लग जाएगा, तो 120 मीटर आ गया ये लंबाई धन चौड़ाई धन चौड़ाई 120 मीटर आ गया। अब लंबाई प्रश्न में दी है आयताकार खेत की कितनी दी है, 80 मीटर। तो लंबाई का मान हम यहाँ पर रख देते हैं, 80 मीटर धन चौड़ाई बराबर 120 मीटर। अब इस 80 को हम इस तरफ ले जाएं तो चौड़ाई निकल आएगी आपकी, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 120 × 80 मीटर। 120 में से 80 घटाए तो ये बचा 40 मीटर। ठीक, ये काय की चौड़ाई आ गई, आयताकार खेत की चौड़ाई हो गई, आयताकार खेत की चौड़ाई कितनी, 40 मीटर। अब हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, वैसे तो आयत वर्ग का ही क्षेत्रफल अधिक होता है आयत से, फिर भी हम संतुष्टि के लिए निकाल लें। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल या वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, क्या होता है इसका सूत्र, भुजा का वर्ग, भुजा
तो इसकी भुजा है आयत की वर्ग की 60 मीटर की, तो ये हो जाएगा 60 का वर्ग। 60 का वर्ग यानी 60 गुणे 60 कितने हो गए, 6 6 36 3600 मीटर वर्ग। ये तो आ गया वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो अब हम निकालेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई इसकी है 80 और चौड़ाई है 40, हमने ज्ञात किया है यार। तो ये हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई 8 चौको 32 और 2 जीरो लग जाएंगे मीटर। अब देख रहे हैं आप आयताकार खेत का क्षेत्रफल आया 3200 वर्ग मीटर और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आया 3600 वर्ग मीटर। तो किसका क्षेत्रफल देखो होगा वर्गाकार खेत का, मतलब हम लिख दें आकृति ए का क्षेत्रफल अधिक है तो ये है प्रश्न क्रमांक एक का हल। मिलते हैं अगले प्रश्न का हल लेकर। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।